हमारी एक सीरीज चल रही है बोटैनिकल नेम के ऊपर, जिसमें हम बेस्ट 50 बोटैनिकल नेम को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे बोटैनिकल नेम हैं जो पिछले 1.5 साल में न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, मैगजीन्स में हमें पढ़ने को मिले, और बाद में क्वेश्चन पेपर में भी एग्जामिनर ने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए और बताइए मुझे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, किस ये प्लांट फैमिली से संबंधित है, इसका हिंदी नाम, इंग्लिश नेम और इसके यूजर्स पता होने चाहिए आपको, क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, आर्टेमिसिया एब्सिंथियम, इसका साइंटिफिक नेम। और ये किस प्लांट फैमिली से है, इनकी पौधा परिवार एस्ट्रेसिया, याद रखो इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी नाम क्या है, अवसंथिन, काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत नेम इंधना, और इंग्लिश नेम है इसके एविंथ एविंथियम, एविंथ सिसबार्ट, एविंथ बम्बूट, ये याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जो पहली बार जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट हिमाचल प्रदेश पोस्ट कोड 1025 के लिए या फिर उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, डेली आपको टेस्ट मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार। और इतना ही नहीं, 6 से 7 हज़ार एमसीक्यूज की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है टॉपिक वाइज, वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, और प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस के साथ भी सब कुछ मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जिन्होंने पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं वो आज आप एक काम कीजिए, स्टडी मटेरियल में जाइए, टीचमेंट ट्यूशन ऐप ओपन करिए, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, उसमें यूट्यूब क्लासेस का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें ये सारी पीडीएफ जो है वो अपडेट हो जाएगी इस लेक्चर्स के बाद। ठीक है, कहाँ पे जाना है, टीचमेंट ट्यूशन ऐप ओपन करनी है, स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा यूट्यूब पीडीएफ, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है। और जिन्होंने नहीं किया है व्हाट्सएप करो, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है आर्टिमिसिया एवसिंथियम, ठीक है, ये इसका इमेज है, ठीक है, परिवार पौधे की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रेसिया, हिंदी नेम अवसंथिन, संस्कृत नेम इंदना, इंग्लिश नेम एविंथ एविंथियम, एविंथ सेजवॉट और एविंथ बर्मवॉट, क्लियर। अब चलिए मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं, आखिर ये है क्या, आर्टिमिसिया क्या है। देखिए आर्टिमिसिया या आर्टिमिशिया एक रंगीन और खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है, ये उच्च तापमान प्रेमी पौधा है, ठीक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर्स को भी अच्छे से सहन करता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्टिमिसिया के पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 2 से 4 फीट तक होती है, और इसे गांव और शहरों में जंगली फूलों के नाम से देखा जा सकता है, या जंगली जंगली फूलों के नाम से इसको कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस पौधे के पत्ते एक छोटे दांत के सदृश जैसे होते हैं, जैसे कि आपने इमेज में देखा, इनके पत्तों पर दानेदार चिकनी धार भी होती है। ये पौधे ढाल घास के रूप में उपयोग हो सकते हैं, और बागवानी में छोटे गमलों में भी ये लगाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट। आप देखिए आर्टिमिसिया के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिमिसिया, देखिए शुद्धिज एनुअलिस, इस प्रकार की आर्टिमिसिया पौधा आमतौर पर सर्दी जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों और फूलों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये अभी जितनी भी रिसर्च हुई है इन सब चीजों के ऊपर फैक्ट बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए टॉड प्रिविट एवसिंथियम, आर्टिमिसिया एविंथियम, ठीक है, एक प्रकार पल्स, मांसपेशियों और पेट संबंधी समस्याओं के उपचार में ये प्रयोग में आता है, कीटनाशक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना याद क्यों रखें। देखिए अगर मैं आर्टिमिसिया को आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो मुझे पता है कि आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, आपको आंसर ऑप्शन में चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे करवाता हूँ।
देखिए आर्टिमिस या बर्मिस की बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार की वनस्पति को मुहांसों, दाद, सिरदर्द और महिलाओं के पीरियड मासिक धर्म में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए टॉक्सिकोंड्रे ड्रॉनफोलिया, एक प्रकार मक्खियों के काटने पर होने वाली ज्यादातर संक्रमणों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पत्ते और पौधे की पोषण तत्व से आयुर्वेद औषधि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, होता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं यहाँ से आर्टिमिसिया के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए आर्टिमिसिया अपुलिफॉर्मिस, ठीक है, यानी कि ये संयंत्र पशुओं के लिए चारे के रूप में उगाई जाती है और बांस उगाने वाली धान की पंखुड़ी और जैविक संशोधक मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, आर्टिमिसिया के प्रकार है, जिसमें हमने शुद्धिज एनुलिस के बारे में पढ़ा, टॉड प्रिवेट के बारे में पढ़ा, आर्टिमिसिया बर्मिस के बारे में पढ़ा और टॉक्सिकोंड्रे डॉनफोलिया के बारे में हमने पढ़ा और आर्टिमिसिया अपुलिफॉर्मिस के बारे में इसमें हमने पढ़ा, ठीक है। ये इसके प्रकार थे। अब देखिए इसके उपयोग भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिमिसिया एक पेड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम आर्टिमिसिया है। इसके कई प्रकार होते हैं, बस अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वर्मवुड हो गया, तारगोन हो गया, मुगवाट हो गया, सेज ब्रश हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके प्रकार है, ठीक है, बस इतना याद रखो आप। क्लियर, क्वेश्चंस बनेगा तो ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। आर्टिमिसिया के फायदे क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। आर्टिमिसिया वनस्पति पर आधारित है और इसके कई औषधीय गुण हैं। आर्टिमिसिया में विटामिन ए है, विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अच्छे स्रोत इसमें पाए जाते हैं। मतलब अगर आप इसका यूज करते हैं तो बिकासोल्स जो एक कैप्सूल्स रहता है, जो भी आपका कंप्लीट, उसमें भी विटामिन बी होता है, ठीक है, जो कि शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। और डायबिटिक के जो पेशेंट रहते हैं वो भी इसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और साथ साथ में क्या है, ये मधुमेह, अस्थमा, एलर्जी, डायरिया, मस्तिष्क की समस्या और हृदय रोग की समस्याओं के उपचार में भी मददगार ये साबित होता है। इसे पेट की समस्याओं, पाचन समस्या और आरोग्य सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर, आर्टिमिसिया वजन कम करने में मदद करता है और मोटापे को कम करने में भी सहायक यहाँ पर अपना रोल प्रदान करता है, ठीक है। और साथ साथ में देखिए इसे स्किन के रोगों जैसे कि चर्म, आंखों की सूजन, स्किन इरिटेशन और इन सब चीजों में भी यूज होता है, यानी कि जिनको एलर्जी वगैरह रहती है, ठीक है, उसमें भी इसका योगदान जो है रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिमिसिया के अलावा इसके प्रतिरोधक गुण भी होते हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इसका उपयोग पेट के कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई में भी किया जाता है। देखिए कितने ज्यादा इसके यूजेस हैं, ठीक है। अब जब एग्जामिनर जब पेपर डालने शुरू करते हैं तो वो इन सब चीजों को एनालाइज करता है, पिछले 1-1.5 साल में जो भी हाल ही में रिसर्च हुई है उनके क्या यूजेस हुए हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हुए हैं, उनके इफेक्ट्स क्या रहे हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जब आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट बनेंगे, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आर्टिमिसिया के पौधे की चिकित्सक गुण, ठीक है, मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिमिसिया। देखिए आर्टिमिसिया एक औषधीय पौधा है जिसे हजारी बिस्त भी कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ से डाल देता है क्वेश्चन, ठीक है, हजारी बिस्त भी कहते हैं। इसके पत्तों का रंग हरा होता है और इसकी गंध मीठी होती है। ये भारत, चीन, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है। इसे कई सालों से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट लाइन आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ प्रमुख आर्टिमिसिया के औषधीय उपयोग निम्नलिखित रूप से हैं। बस मैं आपको हेडलाइंस यहाँ पे बता देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए औषधीय उपयोग किन किन में है। आपके मलेरिया के उपचार में है, पाचन समस्याओं के इलाज के लिए है, ठीक है, वजन कम करने में सहायक है, पेट के रोगों का उपचार करने के लिए है, स्किन पर लाभदायक है और साथ में इंसोमनिया का उपचार करने के लिए, ठीक है, यानी कि नींद में भी ये काम करते हैं, जिनको नींद की कमी है, ठीक है, नींद नहीं आती है, ठीक है, उसमें भी ये काफी ज्यादा अपना योगदान देता है, ठीक है। तो देखिए आज के इस आर्टिमिसिया के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, और अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है एक्सपर्ट्स के अंडर, चाहे वो आपका द्रव्य गुण विज्ञान है, वैशेष्य कल्पना है, रचना शरीर है, क्रिया शरीर है, रोग निदान है, आपके बाल रोग है, ठीक है,
बोटैनिकल नेम है, मेडिसिन रिसर्च है, जितना भी टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, एमसीक्यूज ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, डेली टेस्ट लगा सकते हैं, सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप करिए और आज ही अपनी तैयारी बेहतर और बेहतर कीजिए।